प्राचीन मंदिर है तो बड़ी अच्छी परंपराएं हमारी रही हैं श्री विष्णु मंदिर दरबार में। अपनी श्रद्धा के फूल श्री तुलसी महंत जी वीर से, असल में ये है वीरों का, वीरों का दिन। आज मैं आया हूँ द्वारा डोभी, यहाँ मनाया जा रहा है विष्णु उत्सव। तो अभी मैं अपने मित्र घनश्याम जी के घर के पास पहुँचा हूँ, उनको लेकर साथ चलूंगा विष्णु मंदिर। ये मुझे यहाँ अपने घर पे जूते दे रहे हैं चमड़े के, क्योंकि मंदिर में वर्जित होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ जूते बदल लिए। नमस्कार मान्यवर। नमस्कार। चलिए फिर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। तो घनश्याम जी, हम जा रहे हैं विष्णु मंदिर अभी, है ना? विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर से ये शुरुआत होगी इस विष्णु की। हाँ, वहाँ से बिल्कुल बाजे गाजे के साथ आएंगे यहाँ, धनुष और बाण लेके। धनुष बाण लेके विष्णु मंदिर ये द्वारा में ही पड़ा या ये कटराई में पड़ा? द्वारा। द्वारा में ही पड़ा। द्वारा। हाँ, द्वारा के विष्णु मंदिर में हम जा रहे हैं। निचला द्वारा है, लोअर पार्ट है द्वारा का। द्वारा का लोअर पार्ट। प्राचीन मंदिर है विष्णु का, और काफी बहुत बड़ी मूर्ति है पत्थर की विष्णु भगवान की। चलिए अब हम देखेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। जिस दिन देवते का एक हुआ उस दिन कोई बोलते है ना मोड़ माते नहीं लगना, मतलब गोबर और मिट्टी का काम कोई नहीं करना, तो वो मनाही होती है, निषेध है। तो बड़ी अच्छी परंपराएं हमारी रही हैं, जैसे घनश्याम कपूर जी ने अभी बताया कि जब इस तरह के देवता के फंक्शन होते हैं विष्णु इत्यादि कोई भी, तो उस दिन यानी कि गोबर और मिट्टी का कोई काम नहीं किया जाता। तो बहुत अच्छी बात है, जैसे इन्होंने बताया अभी कि इससे क्या होता है कि एक तो लोग एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, वरना अपने अपने काम में जाकर बिखरे रहेंगे तो मुश्किल होती है। ये बहुत अच्छा पहलू जो है हमारी जो संस्कृति है यहाँ पहाड़ी संस्कृति, ये एक बहुत अच्छा पहलू आपने यहाँ बताया। ये हम पहुँच गए श्री विष्णु मंदिर दरबार में, यहीं से आज का कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत होगी। खूबसूरत जगह है, पेड़ पौधे हैं और मध्य में बना हुआ ये मंदिर है पेड़ों की ओट में। ये हमारी परंपराएं हैं कि जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ पेड़ अवश्य होते हैं, और पेड़ों के पास ही जो है वो मंदिर स्थान जो है वो बनाए गए होते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, नमस्ते। कहाँ आए हो आप? मंदिर में, विष्णु मंदिर में। क्या होने वाला है आज विष्णु मंदिर में? बैसाखी मनाई जाएगी। अच्छा अच्छा, और उसी सिलसिले में विष्णु है। तो विष्णु मंदिर में अभी तक ये देवव्रत के सजाने की परंपरा चल रही है, सजाया जा रहा है देवव्रत। और मुझे याद है कि 1998 में भी मैं उसी समय यहाँ पहुँचा था जब देवव्रत सजाया जा रहा था। देवव्रत सजने के उपरांत ही जो है आज की कार्यवाही शुरू होगी। मेरे मित्र घनश्याम कपूर जी आगे नतमस्तक होते हुए श्री विष्णु जी के मंदिर में। आइए बढ़ते हैं आगे और दर्शन करते हैं भगवान विष्णु के भव्य रूप का। मंदिर में एक एक करके श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने श्रद्धा के फूल देव चरणों में अर्पित कर रहे हैं। देवव्रत को सजाया जा रहा है और देवव्रत को सजाने का काम कुछ विशिष्ट देवलुओं के हाथों में ही होता है। इस साज सज्जा को सभी नहीं कर पाते, इसलिए पारंगत लोग ही इस कार्य को संपन्न करते हैं। आज क्या कर रहे हैं आप यहाँ विष्णु मंदिर के प्रांगण में, क्या देखने आए हैं? रथ को देखने आए। रथ देखा आपने, कैसा लगा आपको? क्या नाम है आपका? आकर्षित। आकर्षित। और ये आकर्षण भी आज हम देख रहे हैं यहाँ किस तरह का देवताओं का यहाँ ये कार्यवाही होगी। मैं हूँ इस समय विष्णु मंदिर द्वारा में, मेरे साथ पीछे खड़े हैं श्री तुलसी महंत जी। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं
और जानते हैं कि यहाँ किस तरह से ये बिरशु जो है वो मनाया जाता है। अब यह बताते हैं कि वह विशाख में ना भगवान विष्णु का जन्म महीना। दूसरी बात ये आती है इसमें अस बोला ही देशी भाषण बीरसु, असल में ये है वीरों का, वीरों का दिन। जैसे कौरव पांडव शस्त्र विद्या सीख करके आए तब उनका रंगशाला हुई, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। हम उन चीज को लेकर के उस प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जो एक वो पलाई कहते हैं हम उसको, जो कि चील के दरख्त की एक रहते हैं उसको शाम को जी। जैसे शाम को जो देवता को ले आते हैं मंडार से, करूड़ू में डाल करके जो देवते के मुख वो है उनको यहाँ करके, यहाँ आ करके फिर जो ये पिंडा प्राण है हमारा जी, इसका श्रृंगार होता है। तो सुबह इसके जो आभूषण है वस्त्र हैं वो निकाल करके फिर वो रथ में लगाया जाता है। रथ में लगाने के बाद फिर यहाँ पूजा होगी। पूजा होने के बाद जो तीर है धनुष और तीर जो पिछली साल जो जिसने वो लगाया है, तो यहाँ से वो तीर जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके पहला जो तीर है वो मारेगा देवते की तरफ से गुर 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 नहीं होगा तो पुजारी मारेगा। तो फिर बाजे के साथ जाते हैं, तीर भी ले जाते हैं ऊपर, फिर सारे जो लोग है बारी बारी से गांव के लोग है, जो चाहे वो ढंग से तीर लगा सकता है उसे जी। तो पहले यहाँ प्राणी प्रथा थी, हमारे सामने एक ब्रास का फूल लगाया होता है उसमें जी, उस ब्रास के फूल को वो चाहिए निशाना जी लगा। फिर वैसा करते करते दिन हो गया, जब तक वो छान लेंगे ना तब तक अगली कार्रवाई नहीं होगी। फिर किया ऐसा कि भाई देवता ऐसा नहीं हो रहा है जी, तो फिर रखा कि भाई जहाँ भी लगे अच्छा अच्छा कोई भी नहीं तो ये बुरास अभी भी लाते हैं आज भी होगा ना, बुरास तो होगा ही होगा, तो लगा हुआ वो तो लगा ही होगा। वो जाते हैं 4 बजे जरूरी है, 4 बजे जो जाते हैं ना जी, उसके साथ एक ढोंस एक बाना जी और गुर होता जी, वो जाएंगे शाम को हाँ, तो जाएंगे 4 बजे घूमने से पहले। तो वहाँ पर उसको खड़ा किया जाता है, खड़ा करने के बाद आते हैं देवते और गुर के साथ जो भी है, फिर यहाँ देव खेल करते हैं जी, जिसको बोलते हैं उसकी कार्रवाई पूरी हो जाती है जी। तो सुबह करते हैं ये इस मूर्ति के जो वस्त्र निकाल करके मुख मोर निकाल के रथ के लिए जी। अब होगी रथ पूरा होगा, फिर पूजा होगी, पूजा करने के बाद फिर जाएंगे ऊपर जी उस खेत में हाँ, जहाँ वो लगाई है पलाई हाँ जी, जो वृक्ष लगाई है वहाँ जाएंगे। जब लग गया तो उसके बाद उसका स्वागत करते हैं देवते की तरफ से या डोंस या जुठाई जी। फिर उसके बाद उसके एवज में चरुआ दिया जाता है, जो भी आए तो देवते का एक प्रसाद ही मांगा तो वो बांटा जाता है। फिर जिसने वो पलाई लगाई है जी, तीर मारा है देवते की तरफ से, वो बाजा एक डोंस से एक बाना उसके साथ कुछ लोग जाते हैं उसको घर को पहुँचाने जी। पहुँचाने के लिए वहाँ भी उनका आदर मान किया जाता है, देवते को धूप चढ़ाया जाता है। वहाँ से आ करके फिर शाम को ये रथ जाएगा भाई, जो पालकी है ठीक ये जाएगी। फिर जैसे शाम को गए ना जी, उस दरख्त के पास जी के पास जो वो खड़ी की जी, वहाँ जाके जिसने वो तीर मारा वो हाथ लगाएगा उस ब्रास को, वो ब्रास का फूल है वो रथ में लगाएगा जी। रथ में लगाने के बाद फिर वो तीर निकाले जी, वही निकालेगा अच्छा वही निकाले जो उसमें जो पेड़ की जो होती है ना, तो उसको निकाल करके लोगों को बांटे जाती है एक शेष के रूप में जी। और देवते का तो वो शाम को आकर के फिर यहाँ
देव खेल होती है जी। खेल करने के बाद देवता को रखा जाता है या मंगाया जाता है, ले जाता फिर संपन्न हो जाता है, ये समापन हो जाता है। ठीक है, शुक्रिया। प्ले टाइम में क्या करते हैं आप? चूहा बिल्ली खेलते हैं।